हेलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर काफी ऑसम है भाई, बहुत मजा आ रहा है। शूट के टाइम भी बहुत मजा आया, हमने बहुत एक्सप्लोर किया, आउटडोर शूट में भी एक्सप्लोर किया, बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हुई हमारे साथ। और सबसे अच्छी बात ये भाई मिला मेरे को शूट पे, जो एक हमारा जो रिलेशन बना ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा प्यारा है, प्योर है। और जब स्क्रीन पे आप देखोगे तो बहुत अपोजिट है, और ऑफ स्क्रीन देखोगे तो बहुत अपोजिट है। सो शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मुझे जब मैं वर्कशॉप के लिए, मैं तो 3 दिन पहले ही फाइनल हुआ था, तो जब वर्कशॉप के लिए हम लोग आए और मिले एक दूसरे से और चीज़ें थी, तो मैं भूषण को ढूंढ रहा था कि भूषण कहाँ मिलेगा, क्या उसका, कैसे मैं उसको लेकर आऊँगा, कैसे बाहर निकालूँगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब पूरी टीम, जो क्रिएटिव टीम है हमारी, इंक्लूडिंग आकांक्षा एंड विशाल सर एंड रेनू मैम, शाह सर डेफिनेटली, सब लोग जब बैठे और जब उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ, अनफॉर्चुनेटली वर्कशॉप एक दो दिन ही हो पाई, उस वजह से उतना मेरे को लगा कि यार नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है। बट जब हम ऑन ग्राउंड पहुंचे और जैसे हमने शूट करना शुरू किया, तो एक एक कैरेक्टर को जिस तरह से निकाला गया है पूरी सीरीज में, जिस तरह से उनको शेप अप किया गया है, इट्स ब्यूटिफुल। मतलब जब आप एक एक कैरेक्टर को देखेंगे पूरे उसमें, नॉट इन टर्म्स ऑफ भूषण और जो है हमारे चमन को, या एंजेलिना को, या जो है प्राची को, या बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आप जब उनको देखेंगे तो वो आपको, सबका एक ट्यूनिंग है, सबका एक अपना अपना जॉनर है जिस तरह से वो खेलते हैं, और वो सब कितनी खूबसूरती के साथ एक साथ आते हैं। उस खूबसूरती को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत सारे एफर्ट्स लगे। इनफैक्ट जो डायलेक्ट्स हैं सबके अलग अलग मिले, अलग अलग हैं, तो फ्लेवर बहुत ऐड किया है, बहुत सारे तड़के लगाए हैं इसमें, तो डेफिनेटली उसमें बहुत मजा आया वो फ्लेवर डालने के लिए। देखो बहुत कम होता है मोस्टली मेरे साथ, बिकॉज इट्स बीन 10 years इन दिस इंडस्ट्री, और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो ना अपने जैसे लगते हैं। तो नितिन का यही मुझे लगा कि ये बहुत अपना सा लगा, और स्ट्रगल जिस तरह का है, जिस तरह की कहानी है जिंदगी, बहुत सिमिलर है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ग्राउंड जीरो से उठ के कहीं पहुंचने की कहानी है। और हम दोनों एक ही तरह के एरिया से बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से है, मैं हरियाणा से हूँ, और हम बॉर्डर से हैं, एक्चुअली मैं राजस्थान बॉर्डर से हूँ, ये भी आसपास ही है हमारे, तो एक वो हमारे कल्चर भी थोड़ा सा सेम है, तो वो जर्नी भी सेम रही है कहीं ना कहीं, तो उससे हमने बहुत रिलेट किया एक दूसरे के साथ। और मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस हों, यट बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सीरियस हों, ज़्यादा उसको यहाँ नहीं चढ़ने देना चाहिए, बिकॉज यहाँ जब चढ़ता है तो बहुत गड़बड़ जाती है। तो हम दोनों की वही चीज़ है कि हम दोनों वही बैलेंस लेके चल रहे हैं, और हमें यहाँ पर बात करने में भी अंडरस्टैंडिंग से भी लग रहा है कि काफी अच्छी जो है आप लोगों की दोस्ती। अरे आपने शूट पे नहीं देखा बहुत रायते फैला है हमने। आप शूट का कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं यहाँ पर? शूट में बहुत पागलबंदी की है, उज्जैन में हम लोग मतलब जहाँ मौका मिलता था वहाँ कुछ ना कुछ शुरू हो जाते थे, किसी की टांग खींचने, अभी तो 6'3" का है तो इसको लेके किधर भी निकल जाओ तो वहाँ तो लोग वैसे ही मतलब डर जाते थे। तो हमको जरूरत नहीं पड़ती थी कोई भी आके शूटिंग के लिए, कोई पहली बात तो मुझसे तो क्वेश्चन फिर भी पूछ लेते, अरे भैया काहे की शूटिंग चल रही है, तो और मेरा गेटअप भी ऐसा होता था, है ना, ये तो और अभी भी यहां पे ऐसा लुक भी ऐसा, हां ये भाई पूरा एकदम बन गया है एकदम, वो नेगेटिव कैरेक्टर है एक्चुअली, वो ग्रे शेड है मेरे लिए, तो नेगेटिव नहीं है, तो उस वो जब कॉस्ट्यूम में लगता था वो विलन नजर आता है, तो विलन से थोड़ा ऑडियंस इतना जल्दी घुलती मिलती नहीं है, वो डरती है, थोड़ा दूर रहती है, तो वो भी मेरे को थोड़ा फायदा था। और एक्चुअली हम आउटडोर पे इतना शूट कर रहे थे, नायरा साथ में थी, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी का वो रहता था कि मैं और वो भाग रहे हैं सड़क पे, तो जरूरत ही नहीं थी, नहीं बहुत था उसके लिए काफी। अच्छा, हम दोनों का शूट ज्यादा नहीं हुआ साथ में, हमारा एक ही सीन, एक दो सीन ही है, एक ही सीन है साथ में। मैं नोटिस कर रहा था,
ट्रेलर में तो बहुत कम नोटिस चीजें हुई है, ट्रेलर से भी बहुत अलग अलग चीजें आएंगी। बहुत, ट्रेलर में तो भाई का एक डायलॉग है वो बड़ा कमाल है। बस वो भी जानना, वो डायलॉग भी जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने अपने कैरेक्टर के बारे में अगर आप लोग बता शुरू करो, उसके बाद फिर वो डायलॉग की भी बात करेंगे। चमन एक ऐसा कैरेक्टर है जो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी लाइफ में जो कुछ चाहता है वो अचीव कर लेता है, चाहे वो बाय हुक एंड क्रूक वो ले लेता है। उसके लिए मतलब पुलिस वुलिस ये ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, बिकॉज वो बहुत पॉलिटिकली स्ट्रांग है। और इस सीरीज़ में वो आपने जैसे ट्रेलर में देखा होगा वो कहीं ना कहीं नायरा के हमारी एंजेलिना के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्यों पड़ा हुआ है ये मैं चाहूँगा आप सीरीज़ देख के जानें कि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों पड़ा हुआ है वो पूरी सीरीज़ में आपको एंड तक पता चलेगा कि वो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्या हो गया ऐसा उसके साथ, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो लेकिन इनके पीछे पड़ा हुआ है वो, और वो हरियाणवी यूज़ कर रहा है इसमें जो डायलेक्ट यूज़ कर रहा है। हालांकि हमने कोई ऐसा स्पेस नहीं दिखाया सीरीज़ में कि वो या हरियाणा से है या कहीं यूपी से है, बिहार से है या मुंबई से है, वो हमने ऐसा कुछ नहीं उसमें दिखाया नहीं है, मेंशन नहीं किया है कोई भी ऐसा, सब काल्पनिक नाम यूज़ किए हमने। तो मैं अगर बात करूं भूषण की, तो भूषण शर्मा जो है ये बहुत ही छोटे से शहर का लड़का है, और बिकॉज एक काल्पनिक कहानी हम दिखा रहे हैं इसमें, कहीं भी किसी भी शहर को हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। जैसे जो शहर का नाम भी है वो भी हमने बहुत अलग तरीके से यूज़ किया। तो जब आप भूषण की बात करेंगे तो भूषण बहुत ही इनोसेंट है बट स्टिल बहुत ही स्मार्ट है। मतलब वो बचपन से गरीबी देखी है, बहुत वैसा रहा है कि यार हर चीज़ का स्ट्रगल है, और उसकी ज़िंदगी का एक मुद्दा है, वो मुद्दे पे उसकी सारी कहानी टिकी हुई है, और उस मुद्दे को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए लाइफ में और कुछ बड़ा किया जाए। तो उसको एक ऐसा मौका हाथ लगता है कि वो कुछ बड़ा करने का मौका होता है, और जैसे कि बाकी के सब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके चीज़ों में, तो वो कब कैसे सबको साथ में लेकर आता है और उस कहानी में मतलब एक एज एन इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है कि उसके बिना कुछ मिलेगा नहीं। तो एक टाइम पे भूषण शर्मा एक ऐसा मोड़ देता है कहानी को कि उस मोड़ की वजह से सबकी ज़िंदगी बदल जाती है, और सबकी ज़िंदगी बदलने के साथ में आगे जाकर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी, कियोस भी क्रिएट होता है। लेकिन इस पूरे कियोस और उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी उसका एक ही मुद्दा है ज़िंदगी का, और वो मुद्दा जानने के लिए आपको हेलो जी देखना पड़ेगा, वो आ रहा है आज। आज आप देख सकते हैं, आ गया होगा, आ जाएगा, आप देखेंगे। और इस कैरेक्टर मतलब अगर चमन की बात करें तो जो मेरा प्रिपरेशन रहा, मेरे डायरेक्टर ने भी बहुत हेल्प करी, राइटर जो हमारे विशाल सर हैं, डायरेक्टर हमारे शाहनवाज सर, रेनू मैम हमारे एक और जो उनकी वाइफ है विशाल सर की, तो उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और मैंने जो अप्रोच किया इसको कि मैंने उतना ही जाना स्टोरी को, मैंने मेरे को अभी तक स्टोरी नहीं पता है, और मैंने उतना ही जाना जितने मेरे किरदार को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जानबूझकर वो नहीं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए फिर सीरीज देखने में मजा आएगा। हाँ, सीरीज और वो कैरेक्टर भी अगर वो दूसरे की कहानी जानता है ना तो वो थोड़ा प्रिटेंडिंग सा हो जाता है। मैं वो नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं उतनी ही कहानी जानूँ जितना मेरे किरदार को पता होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग सबसे चीज़ मेरे साथ अच्छी क्या हुई कि मेरा लीनियर शूट हुआ है, मेरा ऐसा शूट नहीं हुआ कि मैं पहले के सीन बाद में कर रहा हूँ। जैसे जैसा स्टोरी में घटता गया है वैसे वैसे मेरे साथ शूट होता गया है, तो वो मेरे लिए हेल्पिंग था, बिकॉज वो कैरेक्टर का जो टाइम था वो मैंने जिया, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड हुआ। और जब आप सेट पे जाते हो, वर्कशॉप भी हुई हमारी, और जब आप सेट पे जाते हो तो कैरेक्टर आपको एक दो दिन बाद गाइड करने लग जाता है कि वो कैसा है, वो एक इंट्यूशन मिलना शुरू हो जाती है। तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया, और ज़्यादा मैंने इसमें ज़्यादा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं समझी, मैं जितना उसको नेचुरल और करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, वो नेचुरली निकला जो निकला। हाँ, वो बहुत बड़ा मतलब मैं थ्रू आउट उस मोमेंट में रहने ऑनेस्टी के साथ जिया बस मैंने उसको, वो मेरे को बड़ा मज़ेदार था मेरे लिए। तो चलिए, अब तक हमने सुना है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, लेकिन हमें यहाँ हेलो जी में सुनाई देगा कि इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं। तो आप बताइए कि ऐसे
कितना एंजॉय किया आप लोगों ने ऐसे फोन पे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट? यार बात ऐसी है, आप बताइए कितना ये इन्होंने बहुत किया है ये बताएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, ये हमारे तीसरे लोग ही कर रहे हैं जिनकी जो लाइने मस्त है। नहीं, मैंने किया मस्त है। वाले लोग अलग अलग है, तुमने तो किया है भाई, तुमने तो फुल ऑन किया है मतलब। बिल्कुल, आप लोग शेयर कर सकते हैं या फिर रियल लाइफ का भी कोई किस्सा या आप लोग शेयर कर सकते हैं। रियल लाइफ का ऐसा कोई किस्सा नहीं है, इतनी जरूरत पड़ी नहीं भाई, इतनी जरूरत नहीं पड़ी रियल लाइफ में, पड़ी नहीं, भगवान ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना के भेजा, जो जरूरत पड़ी नहीं कभी। सो मैंने किया है, लेकिन जैसा आप सीरीज में देख रहे हैं वैसा नहीं किया है। वो बड़ा ही प्योर, और उसने बड़े जैसे हम कैजुअली बात करते हैं किसी अपने चाहने वाले से, मैंने उस तरीके से बात की है, मैंने वो मस्ती वाली बात मेरी भी नहीं हुई, और वो शायद सीरीज में नहीं, वो बैक स्टोरी में है मेरे, सीरीज में नहीं दिखी नहीं। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे कि मतलब रियल लाइफ में तो आपको भगवान ने ठीक ठाक बना दिया है। हम दोनों को यार, हम मतलब दोनों की बात। सो कुछ कहना चाहेंगे आप, जब भी आप इन जनरल हम देखते हैं कि हम किसी को कॉल करते हैं। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस कहानी के बारे में। एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी जो ऑल्ट के बारे में पाली हुई है लोगों ने, वो ये है कि ये मतलब इट इज़ ओनली रिलेटेड टू सेक्स, इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल थिंग्स एंड बोल्ड सीन्स होंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। मैं आपको बता दूँ कि इसमें रोमांस आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, लेकिन एक कहानी जो कि उससे रिलेटेड है लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। यस, एक्चुअली मतलब आप इसकी खूबसूरती यही होगी कि उस कहानी में जब हम आपको नरेट करेंगे, जब आप बताएंगे, तो बातें वही हो रही होंगी लेकिन इनडायरेक्ट वे में, वो डायरेक्ट नहीं होगा और वैसा कुछ घट नहीं रहा है। जैसे आपने स्क्रीन पे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे ऐसा कुछ घट नहीं रहा है, लेकिन वो जब आप किससे कहानियां सुनेंगे तो आपको इतना मजा आएगा और इतना गुदगुदाएंगे आप, और वही उसकी खूबसूरती है। बिकॉज क्या है कि हम नॉर्मल लाइफ में सारी हरकतें करते हैं। अगर कोई मुझसे बोले कि मैं नहीं करता, नहीं मैं तो बहुत सज्जन हूं, मैं उसके मुंह पे हंस दूंगा कसम से। बिकॉज आप सब जानते हैं, लड़का हो लड़कियां हो, सबका अपना अपना एक स्पेस होता है, सबके अपने अपने एक सर्कल होते हैं, उनके अंदर ही वो बातें होती। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस तरह के छोटे छोटे सर्कल, जैसा कि मेरे एक दोस्त है, उन दोस्तों से मैं किस तरह से हमारी एक दोस्ती आ रही है और किस तरह से एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ वो प्लेफुल है। इसका एक अपना अलग जॉनर है चमन का, जो मतलब सारे टाइम पे वो कैसे वट में रहता है अपने। फिर एंजेलिना एक अलग प्रॉपर अलग कैरेक्टर ही है, मतलब वो उसके माध्यम से पूरी कहानी है, लेकिन जब आप उसके थ्रू जब पूरी स्टोरी में जाएंगे तो आपको ये इतना मजा आएगा क्योंकि आपको वो कहानी ऐसे एक नदी की तरह बहाव की तरह बहाती ले जाएगी। आप सोचेंगे यार कैसे कैसे हम कहां तक निकल गए, मतलब ये ऐसा भी हुआ, अच्छा ये कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ, अच्छा इसने ऐसा भी किया, इसने वैसा भी किया, और ये कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा। तो आपके फेवरेट्स होंगे यहाँ पे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस कहानी में सबका अपना अपना एक फेवरेट होगा। इसमें इमोशंस बहुत हैं, आप हंसेंगे भी, आप शायद रो भी सकते हैं, ऐसे इमोशंस हैं इस सीरीज में। आप सरप्राइज भी होंगे कि ये क्या हो गया, थ्रिलर भी है इसमें। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने जब नरेशन सुना था तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया था, मेरा कैरेक्टर भी और स्टोरी भी। और जिस हिसाब से एंजेलिना के साथ बहुत कुछ होता है और वो कैसे उससे कॉप अप करके आगे बढ़ती है, वो बहुत ही पावरफुल है और ज्यादा इंस्पिरेशनल है। करना नहीं पड़ेगा, आ गया 8 बजे तो आएगा। हाँ, आज आप देख ही सकते हैं, आ ही गया होगा अभी तक जब आप ये देख रहे होंगे। हाँ, जब इंटरव्यू आएगा तब तक तो आ गया होगा। ऑन कॉल की भी यहाँ पर बातें हैं, तो आपको थोड़ा सा बताइए कि आज से लास्ट टाइम सबसे ज्यादा मजा इन रियल लाइफ में या कोई किसी? मेरे को तो बहुत मजा आया ऑन कॉल, बिल्कुल मैंने तो बहुत जनरल लाइफ है, बहुत मजे किए भाई जनरल लाइफ पर। कितना एंजॉय किया आप लोगों ने आज? अगर नहीं मतलब ये ऐसे टाइप का एंजॉय नहीं किया, बट वैसे टाइप को बहुत एंजॉय किया। फोन पे रोमांस बहुत किया हमने, मतलब मैंने जिंदगी में फोन पे तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी है नहीं जिसने पिछले 10 साल में, जो 10-12 साल की उम्र में जो जवानी जिनकी चढ़ी है, जो लोग मतलब अपनी टीनेज से यहाँ तक आए हैं, उन्होंने रोमांस ना किया फोन पे। अगर मुझे कोई ये बात बोले तो मैं उसको मतलब फिर तो बोलूंगा कि झूठे हो तुम यार। तो ऑब्वियसली रोमांस बहुत किया है फोन पे, तो थोड़े और तब जब हम कॉलेज या स्कूल में थे तब फोन आए थे,
है ना, तब तो फोन मतलब वो मैं हमने, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, हम उस जनरेशन के हैं जब फोन नहीं थे, नहीं भी थे, जब फोन आया और आने के बाद में वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने अपग्रेड हुआ, तो वो अपग्रेड जो हुआ है मतलब वो आज तक तो इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकता। मतलब हम उस एज के लोग हैं जिसने जीरो से हीरो और अभी हीरो के बाद पता नहीं क्या बनते हुए देखेंगे। नहीं हमने तो नहीं किया पेजर, बट हाँ फोन जब आए हैं उसके साथ हम भी ग्रो किए हैं, तो यस वो जब आया था तो फोन समझ में नहीं आता, तो पता नहीं क्या क्या करते थे। हाँ तब तो टेलीफोन पे होता था, उसके बाद मतलब फोन जान दो यार वो रगे नहीं छोड़ा। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने अपने आप यहाँ देखना क्या क्या होता है फोन पे। तो चलिए फाइनली हम वो डायलॉग की बात कर रहे थे जो ट्रेलर में है, सो जाते हैं अगर आप कुछ डायलॉग अपने अंदाज में अगर आप शेयर कर सके। नाउ आपका भी एक कोई डायलॉग बताना पड़ेगा, तो पहले नितिन जी। या मेरा जो डायलॉग है वो हालांकि सबके साथ हुआ है, हाँ जो मेरा डायलॉग है वो सबके साथ एक्चुअली हुआ है 2020 तो गांड मार गया, जब 2021 में छुट्टी ना ढूंढी तो थारी गांड में 21 तोपा किसला में दे दूंगा बैन चौद। वाह वाह वाह। तो पहली बार जब ये आया था ना तो पूरे ट्रेलर में मुझे, मैंने इसको भी बोली थी ये बात, yes, मैं बोला पूरे ट्रेलर में सबसे हैपनिंग कुछ है तो ये। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 2020 में रियल में हमारे लाइफ में ऐसा हुआ कि सबके साथ ही वो ऐसे घरों के अंदर बंद थे, ऐसे वो इमोशनल निकल रहे थे अंदर। हाँ नाउ राहुल जी अगर आप मेरे तो मेरे कैरेक्टर के बारे में आपको जब जानने देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अगर मेरा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इसमें ऐसे नहीं किया गया है तो उसका कोई ना कोई रीजन है, और वो क्यों नहीं किया गया है मेरे को भी नहीं मालूम। तो मैं मार्केटिंग टीम कुछ प्लान करके बैठी है, तो आई विल नॉट स्पॉइल देयर मूड कि वो क्या है। अगर मुझे मतलब इतना बड़ा एलिमेंट होते हुए भी अगर छुपाया गया तो कुछ तो रीजन होगा यार। तो सस्पेंस रखा हुआ है। डेफिनेटली। चलिए हेलो जी, फर्स्ट ऑफ आज ही है। यस। कुछ घंटों में आई थिंक स्ट्रीमिंग होने वाला है। यस। आप अपने फैंस के लिए हेलो जी कुछ करना चाहेंगे आप लोग? भाई हम यही कहना चाहेंगे, आप आज अभी स्ट्रीम हो चुका है, प्लीज़ देखिए, बहुत प्यार दीजिए सीरीज को, और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, एक स्टोरी मिलेगी उसमें, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे जो उनकी जर्नी कैसे डेवलप हो रही है, और सबसे बड़ी बात वुमेन एम्पावरमेंट का इसमें पूरा जो फोकस है वो है, तो देखिएगा जरूर आज से ही अभी से। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफर करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड, हम लोगों की कोई औकात नहीं है उनको एम्पावर करने की, पहली चीज़। ये जो बार बार ये चीज़ बोल के आप औरतों को नीचे दिखाते वो नहीं है, मतलब ये इन जनरल मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है आई डोंट लाइक इट। मेरे घर में मेरी दो बहनें हैं तो मैं जानता हूँ कितना एम्पावर्ड है और कितना ड्रिवन होता है, जो जो एक नई जिंदगी को जन्म दे सकते हैं उनको कोई किसी की औकात ही नहीं है कि वो एम्पावर कर सके, आदमी उनके सामने कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों देखें सीरीज, इसलिए मत देखना कि मैं कह रहा हूँ या हमने काम किया है, इसलिए देखना क्योंकि फन है। सबसे पहली चीज, जो 2020 से अभी तक हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी सीरियस सीरीज आई हैं, क्राइम बेस आई हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आए हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉमेडी एलिमेंट है, और कॉमेडी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि फोर्स कॉमेडी है, ये बहुत रियल सिचुएशनल कॉमेडी, सिचुएशनल हमने रखा है। और जब आप एक एक कैरेक्टर को वो करते हुए देखेंगे, जैसे कि एक लंदन वाला डायलॉग अगर आपने टीजर में देखा होगा, टीजर में देखा होगा, तो आप उसी को देखकर समझ जाइए कि ऐसे कुछ बहुत सारे डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे जो मतलब आपके जुबान पर चढ़ सकते हैं, तो उनके लिए देखिए, कहीं कहीं मारने के लिए आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट हैं। दूसरी चीज़, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द कैरेक्टर्स, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे ये सोचेंगे कि यार ये तो सेम मेरे जैसी हालत में है, ऐसा कुछ मैं करता तो मैं कैसे करता, तो उतना रिलेटेबल अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो देन आई गेस उससे ज़्यादा मज़ा आप किसी चीज़ में नहीं ले सकते। बस इसीलिए हेलो जी देखिए, और हाँ तो फर्स्ट ऑफ फैब आज से देखते रहिए हेलो जी लगातार, और अपने यारों दोस्तों में शेयर करते रहिए,
और भूषण को प्यार देते रहिए, चमन को प्यार देते रहिए, नहीं मैं सीरीज को प्यार देते रहिए और सीरीज को प्यार देते रहिए, बाकी तो अपने आप ही चीजें रहेंगी। फर्स्ट ऑफ फेब को आ गया है, उसके बाद देखो खुद तो देख ही लोगे, एक बार देखोगे तो दूसरी बार देखने का डेफिनेटली मन करेगा, और जब दूसरी बार देखने का मन करे तो चार दोस्तों को बैठा के दिखाना, क्योंकि फैमिली वाला तो शायद मैटर ना हो पाए बैठ के देखने का, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और गर्लफ्रेंड को भी दिखाना, ओके पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड से प्यार करने में कितना मजा आता है, स्पेशली भूषण का। यहाँ भी हमें हेलो जी में भी सीखने को मिलेगा कि गर्लफ्रेंड से प्यार करने में कितना। Yes. अरे देखना तुम जी बिल्कुल, इसीलिए तो भूषण ने कुछ बताया नहीं अभी तक जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच हमसे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेरी कॉफी भी खत्म हो गई, थैंक यू, थैंक यू।